गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी बच्चों? तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जल्दी से लाइव आ जाइए। वॉइस क्लियर आ रही है आपको? हाँ जी, बताएं एक बार वॉइस। कमेंट कर दो, क्लियर है वॉइस? चलिए बच्चों, थोड़ा सा जल्दी से अपने बारे में जान लेते हैं, ठीक है? फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। बच्चे नाम प्रदीप त्यागी है, और 8 साल से ज़्यादा का ही एक्सपीरियंस पढ़ाने के द्वारा ही मैंने अपने जो भी मेरे एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए हैं उसका डाटा आपके सामने है। IBPS PO क्लर्क SBI सभी मेरे एग्ज़ाम क्लियर हैं, ठीक है? बात करूँ एक्स फैकल्टी JD कैंपस, इनमें बहुत काफ़ी अच्छे अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज में मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है? SSC ट्यूब पर, ऑनलाइन में मेरी यूट्यूब पर क्लास भी पढ़ी है। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो बच्चे MBA हूँ मार्केटिंग से, ठीक है? और MCOM ऑनर्स हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। चल आगे बात करते हैं। देखो बच्चों, हमें क्या करना है बच्चे, हमें अनअकैडमी के साथ जुड़ना है। वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, डेली लाइव क्लासेस मिलेगी। क्या कर सकते हैं, हम अपने एजुकेटर से चैट कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, कोई डाउट उसको पूछ सकते हैं और पोल का आंसर भी दे सकते हैं। बच्चे लाइव टेस्ट और क्विज़ को हमें जरूर से मस्ट ज्वाइन करना होगा, ठीक है? चाहे किसी भी टीचर का है, क्योंकि जब तक हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम उसका टेस्ट या क्विज़ नहीं देंगे तो हमें क्या पता लगेगा भाई हमारी तैयारी कैसी है। तो किसी भी, आप किसी भी क्लास को देख रहे हो तो प्लीज़ टेस्ट और क्विज़ जरूर दें, ठीक है? स्ट्रक्चर कोर्स मिलेगा आपको, ये पता लग जाएगा कि भाई कल हमारे किस टीचर की क्या क्लास होने वाली है, तो आपको पहले पता लग जाता है। अनलिमिटेड एक्सेस होगा, आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप किसी भी टीचर की कितनी बार भी क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है? जितने भी आप टाइम पीरियड के लिए देख रहे हैं। बात करें बच्चे फीस की, तो बच्चे 1 ईयर के लिए अगर आप फीस लेते हैं तो भाई टोटल जो फीस है वो 6,000 है, लेकिन जब आप ऐप पर जाकर एक प्रोमो कोड यूज़ करेंगे मेरे नाम का T-A-G-01, तो आपको इसमें क्या हो जाएगा, 10% डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है? केवल आपको 450 रुपये पर मंथ की फीस लगेगी, और जहाँ इंडिया के अच्छे अच्छे एजुकेटर आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। बात करें 2 ईयर के लिए, तो देखिए केवल 293 रुपीज़ अप्रोक्सीमेट, इतना सस्ता तो आपको कहीं कोई नहीं मिलेगा, ठीक है? टोटल फीस 7,800। ऐप पर जाएंगे, प्रोमो कोड में डालेंगे T-A-G-01, आपको इसका भी 10% डिस्काउंट हो जाएगा, टोटल फीस लगेगी 7, ठीक है? क्योंकि कुछ तो पे आपको लिटिल बिट पे करना होगा। चलो बच्चे बात करते हैं इनइक्वालिटी की, ठीक है? तो एक बार मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इस क्वेश्चन पर कमेंट करें, आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन। प्लीज़ बच्चों जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको इन क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ। आई होप आप उन शॉर्ट ट्रिक्स को जरूर सीखें। प्लीज़ खड़े रहें, शॉर्ट ट्रिक्स सीखें। तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप इन क्वेश्चन को करें। कोडेड इनइक्वालिटी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताएं क्या आंसर आएगा। चलो बच्चों कोई बात नहीं, आप में से अगर कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं देना चाह रहा है, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि या तो किसी को पता ही नहीं भी क्वेश्चन होते कैसे हैं, समझ लो, तभी ऐसी हमारे सामने प्रॉब्लम आती है। बात कर लेते हैं क्या है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या काम करना है, ठीक है? कोडिट सभी को पता भी किस तरीके से करते हैं, ठीक है? हमें क्या करना है, ऑलवेज एक क्वेश्चन का डायग्राम बनाना है, ठीक है? क्वेश्चन का डायग्राम बनाने के लिए क्या करना है कि उसमें जो है अपना ऑलवेज यहाँ पर ग्रेटर देन, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल, और बीच में इधर लेसर देन और इधर लेसर देन,
ये सिंबल हमें रखना है। पहले में क्या बोला है, पी डॉलर क्यू, पी इज नॉट स्मॉलर देन। एक बात देखो बच्चे, स्मॉलर नहीं है क्योंकि बड़ा है बराबर तो हो सकता है ना, बड़ा और बराबर यहाँ पर आएगा तो कन्फर्मेशन है डॉलर मेरे यहाँ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें एट द रेट, पी इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल। एक बात बताओ, छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं, तो क्या आएगा भी, बड़ा ही आएगा। ठीक है, ऊपर क्या रख देंगे हम अपना एट द रेट रख देंगे। हैशटैग का मतलब क्या है, ना ही ग्रेटर है नॉर इक्वल है। एक बार बताओ, ना तो बड़ा है ना इक्वल है, तो क्या आएगा छोटा आएगा भाई। ठीक है, ना तुम बड़े हो ना बराबर हो, ठीक है, तो क्या आएगा छोटा आएगा फिर तो। नेक्स्ट में क्या बोला है, एंड पी इज नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉल, ना छोटा है ना बड़ा है, तो क्या आएगा इक्वल आएगा, यहाँ पे रख देंगे। और आगे क्या बोला है, पी पर स्टार मतलब ग्रेटर नहीं, ग्रेटर नहीं तो क्या हो सकता है स्मॉलर और इक्वल हो सकता है। ठीक है, ये तो भाई सभी को पता है कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चन को करना है, क्लियर है ना, ये तो सबको पता है, क्लियर है भाई सबका। चलो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से किए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पे आ रहा हूँ जरा मैं, पहले इन चेंज। ठीक है, चलो देखो बच्चे करना क्या है हमें, ठीक है, वर्बली करने हैं सारे क्वेश्चन, कोई लिखना नहीं है हमें, देखना है एम से डब्ल्यू जाना है और क्या चाहिए एट द रेट ऑफ। चलो भाई क्या जाना है, एम से डब्ल्यू। ठीक है भाई, यहाँ देखो ये सीरीज है ना, तो मैं एक बार देखो, अगर मैं डब्ल्यू से एम आ जाऊँ, डब्ल्यू से एम, तो मेरा आंसर क्या आएगा, हैश टैग स्टार। ठीक है, हैश टैग स्टार में आंसर क्या आएगा बच्चे, हैश टैग आएगा, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा लिखा जाए, आपसे क्वेश्चन ऐसा लिखा जा रहा है, ऐसे लिखा जा रहा है कि एम हैश टैग डब्ल्यू, तो मेरे ये क्या बनेगा, सही बनेगा, क्योंकि ऑलवेज हैश टैग स्टार में आंसर क्या आएगा, हैश टैग की तरफ आएगा। ठीक है, लेकिन उसने क्या दिया है, उसने इनको चेंज करा है। देखो उसने क्या काम करा, उसने एम यहाँ पर है, ठीक है, सॉरी मैं इसको उल्टा लिख गया बच्चों, उल्टा लिख गया सॉरी, यहाँ पर आएगा डब्ल्यू और यहाँ पर आएगा हैश टैग और लास्ट में आएगा एम। ठीक है, क्योंकि हम ऊपर वाली सी से लेकर चले हैं, ऊपर वाली सी से। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है एम और यहाँ क्या है डब्ल्यू, ये दोनों चेंज हो गए ना। जब ये दोनों चेंज हो गए तो हमारा जो आंसर आया है उसके जस्ट सामने वाला आंसर देकर जाएगा, उसके जस्ट सामने वाला, इसके सामने वाला क्या है एट द रेट, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए एट द रेट। अब आप ये देखें एट द रेट है, बिल्कुल है, तो अपना आंसर पहला बन चुका है। ठीक है, क्योंकि जो आपका आंसर यहाँ पर निकल जाएगा, आप कहेंगे भाई कि डब्ल्यू क्या है मेरा, बड़ा है एम से। ठीक है, और आप यहाँ पे रखें, इसकी जगह क्या लिखें कि एम एट द रेट का मतलब क्या है, बड़ा है किसे डब्ल्यू। तो देखो बात तो दोनों सेम ही है ना, बात तो सेम ही है ना, कुछ अलग थोड़ी ना है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, पहला अपना फॉल हो चुका। ठीक है, यही अपना एक तरीका होता है इन क्वेश्चन को करने का बच्चे, इसी तरीके से हम करेंगे। अगर आप इसमें लग रहे हैं कि आप पूरी सीरीज बनाएंगे और सीरीज के बाद क्वेश्चन करेंगे, तो फिर हम नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को, ये आप याद रखिएगा हमेशा, ये आप ऑलवेज याद रखिएगा कि आप कभी क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे इस तरीके। ठीक है, चलो तो अपना पहला आंसर आ चुका है, अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। बच्चों एक बार जल्दी से कमेंट करो, दूसरा सही है गलत है, प्लीज़ एक बार आप सभी कमेंट करें, क्वेश्चन को करने की कोशिश करें और जल्दी से बताएं क्या सेकंड सही है गलत है। चले देखो क्या बोला, अभी एच से लेकर चलना है, कहाँ तक बच्चे एन तक, एच से लेकर चलेंगे एन तक, एच यहाँ पर है और एन यहाँ पर है। एक काम करते हैं एंड डॉलर हैश टैग एंड, अच्छा एंड ये वाला एंड डॉलर हैश टैग, तीनों अपोजिट आ गए बच्चे। जब अपोजिट आ चुके हैं, इस तरीके से आ जाएं, इस तरीके से आ जाएं, तो हमारा कभी भी कोई आंसर नहीं आता है। ठीक है, ध्यान रखना एक बार क्वेश्चन को मैं दोबारा सीधे बता रहा हूँ, पॉइंटर लेके, आपके हैश टैग, आपका एंड और आपका डॉलर, अगर इन तीनों सिंबल में से डॉलर और हैश टैग ये दोनों आ जाएं, एट द रेट ठीक है स्टार ये दोनों आ जाएं, ये दोनों आ जाएं या ये दोनों आ जाएं, तो हमारा आंसर कभी भी नहीं आता, ये याद रखना। अब यहाँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एन से लेकर चल रहा हूँ कहाँ तक, एच तक, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कहाँ जाना है, एच से एन जाना है या एन से एच, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, एंड डॉलर हैश टैग, भाई मुझे तो पता है डॉलर और हैश टैग अपोजिट आ गए, अपोजिट आ गए तो कन्फर्म हो गया कि दूसरा मुझे करना ही नहीं है, दूसरा मेरा गलत होगा 101%, दूसरा अपना हो गया गलत। ठीक है, तीसरे बार करते हैं, डब्ल्यू से लेकर एन चलना है। एक बार देखो डब्ल्यू से लेकर एन इन दोनों में चलेंगे, एंड और डॉलर, एक बार देखो एंड और डॉलर इन दोनों में आंसर क्या आएगा भाई, दोनों में डॉलर आएगा ना, एक बात है डॉलर आएगा। अब लेकिन एक बात देखो, क्या पहले यहाँ डब्ल्यू लिखा है, नहीं आपका बाद में लिखा है। अगर आप कहते हैं एन डॉलर डब्ल्यू तो मेरा सही है, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिख दिया है, क्वेश्चन में लिखा है डब्ल्यू और एन, इसका मतलब ये दोनों चेंज कर दिए। अगर ये दोनों चेंज कर दिए तो आपको देखना है कि
डॉलर के सामने क्या है स्टार, अगर इसके बीच में स्टार है तो मेरा आंसर है वरना नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, एंड लिखा है ना, तो अगेन हो गया गलत, अगेन हो गया गलत। फोर्थ की बात करते हैं, डब्ल्यू हैशटैग एन, ठीक है। आप ये देखिए कि बच्चे डब्ल्यू से लेकर एन तक मुझे हैशटैग चाहिए, ठीक है। हैशटैग आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं आएगा भाई, हैशटैग बिल्कुल नहीं आएगा, तो अगेन ये कि भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्लियर है। लेकिन अब एक बात देखते हैं, यहाँ भी डब्ल्यू है, यहाँ भी डब्ल्यू है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, ठीक है। ये देखो एंड और हैशटैग इनको मिलाकर क्या बनेगा, स्टार बनेगा ना, इनको मिला के स्टार बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरा क्या स्टार आ रहा है, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर क्या स्टार आ रहा है मेरा, कर देता हूँ पहले, ठीक है, समझा देता हूँ एक बार आपको। आइदर और का केस बस पहचानना बच्चे है या नहीं है, ठीक है। फर्स्ट तो हमें पता लग गया। अब एक बार देखो, मैं अगर बात करूं एन से डब्ल्यू, ठीक है, तो मेरी ये सीरीज है भाई एन से लेकर डब्ल्यू, तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या, एंड और डॉलर में, ठीक है। आंसर किस की तरफ जाएगा, डॉलर की तरफ जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा भाई मेरा एन बड़ा है या बराबर है डब्ल्यू से, मेरा आंसर बनता है। अब पहले बात करते हैं, पहले में क्या है डब्ल्यू, एंड का मतलब क्या है इक्वल टू एन, और दूसरे में क्या है डब्ल्यू, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है हैशटैग, हैशटैग का मतलब क्या है बड़ा। अब एक बात देखो, ओवरऑल यही वाली तो चीज यहां पर दी गई है, ये वाली तो चीज है, तो इसका जो आंसर आएगा अपना क्या आएगा, इधर फर्स्ट और फोर्थ फॉलो, तीनों चार में क्या बना, इधर बना एंड फर्स्ट ट्रू, बिल्कुल फर्स्ट ट्रू था, तो आंसर किसके साथ जाएगा, ई के साथ जाएगा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बच्चों, जल्दी बताओ सबको, क्लियर है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से बताओ भी आंसर क्या आएगा। जल्दी से बताइए बच्चों का आंसर क्या आएगा, ठीक है। सीरीज ऑलरेडी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन बनाई हुई है, अगर कोई देखना चाह रहा है तो देख सकता है। यहाँ पर ये वाली सीरीज चल रही है, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो है, ये वाली जो सीरीज है वो ये है, ठीक है। इसको कोई उतार लो, अगर कहीं उतारना चाह रहा है अपने कॉपी पेन पर, जल्दी से दूसरा क्वेश्चन जल्दी से करो भाई, आंसर क्या आएगा कमेंट फर्स्ट, देखता हूँ कौन बच्चा कितनी जल्दी कर पाता है। आपको भी तो पता लगे आप कितना पानी में हैं। चलो मैं बना देता हूँ यहाँ पे, हैं बॉक्स बना देता हूँ अगेन। यहाँ पर क्या आएगा, ग्रेटर, यहाँ पर लेसर बीच में ऑलवेज इक्वल होता है, यहाँ पर ग्रेटर इक्वल होता है, यहाँ पर लेसर इक्वल, ठीक है। तो ग्रेटर के लिए जो सिंबल आ रहा है वो आ रहा है एट द रेट ऑफ, यहाँ पर था हैशटैग, यहाँ पर था एंड, यहाँ पर था डॉलर और यहाँ पर था स्टार। तो ऊपर वाली चीज का मैंने बना दिया है, अब जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा सेकंड का। क्लियर करें, चलो क्या बोला है, कैसे बोला है जे तक, ठीक है बच्चे, ये है कैसे जे तक जाना, मुझे पता है उल्टे लिखे हैं, हैशटैग एट द रेट, हैशटैग और एट द रेट में आंसर कुछ आएगा नहीं आएगा पहले छोड़ दीजिए, गलत हो चुका है। डी से एम, डी ये है, डी से जाना है एम तक, डॉलर हैशटैग, डॉलर हैशटैग अगेन अपोजिट थे, छोड़ दीजिए आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तीसरा देखते हैं आर से एम, ठीक है भाई, आर से एम एक बार बताओ, जब आप डी से एम नहीं जा रहे, आर से एम कैसे चले जाएंगे, जा
जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जाएंगे, छोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं जाएंगे, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट में क्या है आपका? नेक्स्ट में है डी से लेकर के तक। भाई डी से लेकर के तक जाना है, एक बात। तो जब आप डी से एम नहीं जा सकते, डॉलर हैशटैग आ चुका है, डॉलर हैशटैग अपोजिट आ रहे हैं, तो डी से के जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। तो क्या आएगा? ननिश टू। देखो कितनी जल्दी हो गया क्वेश्चन, वरना बहुत सारे बच्चे क्या ऐसे करते रहेंगे, पूरा सीरीज बनाएंगे और करते रहेंगे। अरे पागल हो गए हो गया इतना क्वेश्चन करने में? इसके पास इतना टाइम रखा, अभी ऐसे करोगे? चले बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इनको याद रखना भाई, एट द रेट का मतलब ये सब कुछ है, मेरे याद में। आगे वाली सीरीज में दोबारा बना देता हूँ। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या आएगा। मैं यहाँ पे सीरीज बना रहा हूँ इसकी, यहाँ पर एट द रेट है, यहाँ पर हैशटैग है, यहाँ पर एंड है, यहाँ पर आपका डॉलर है, ठीक है, और यहाँ पर आपका स्टार है, ठीक है, यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर ग्रेटर देन, यहाँ पर लेसर देन, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पर लेस देन इक्वल। हमेशा ऐसे ही सीरीज रखना है आपको, ठीक है। अब देखो कितनी स्पीड से हम आंसर निकालते हैं इन क्वेश्चन के। क्या है? बी से लेकर एफ चलना है। भाई ये कहाँ है आपका? वी रा, ये रा, है ना, और एफ कहाँ है? यहाँ। तो मुझे ये देखो, इन दोनों में सबसे पहले देखो, यहाँ पे वी पहले है ना, लेकिन इस सीरीज में वी बाद में, कोई बात नहीं। एंड और स्टार, ये देखो एंड और स्टार में आंसर क्या आएगा? अपना स्टार आएगा, ठीक है, स्टार आएगा आंसर। लेकिन इसे क्या काम करे, इसने उनको उल्टा दे दिया, तो स्टार के सामने क्या है? डॉलर। यहाँ पे क्या लिखा है? डॉलर लिखा है, तो आंसर पहला बन गया। बच्चों अगर कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आता, ये देख लो कैसे। मैं एक काम करता हूँ, एक सीरीज पहले इसको उतारता हूँ। मैंने कहा अभी एफ एंड ई, और ई से जोड़ा स्टार, ठीक है, आपने एंड की जगह रखा इक्वल, तो स्टार की जगह रखा लेसर इक्वल, तो मेरा आंसर क्या बनेगा? एफ यहाँ आएगा, ई यहाँ आएगा, और वी यहाँ आएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा कि वी ग्रेटर देन इक्वल टू, आपका ये आंसर बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा ये बनेगा। अच्छा अब यहाँ मैं जब पहला देखता हूँ, तो मैंने क्या काम कर रखा है? वी यहाँ लिख रखा है, एफ यहाँ लिख रखा है, इसका मतलब इन दोनों को इंटरचेंज कर रखा है, इन दोनों को इंटरचेंज। डॉलर का मतलब क्या है भाई? डॉलर का मतलब क्या है? ग्रेटर इक्वल है। तो ये देखो वी भी यहाँ बड़ा बराबर है एफ के, और वी भी यहाँ बड़ा बराबर है, और आंसर तो सही है ना। तो कभी भी याद रखना कि अगर ये दो सीरीज है, इन दो के ये दोनों रिवर्स हो जाते हैं, कोई भी जिसके बारे में पूछा जाए, अगर वो आंसर में रिवर्स हो जाए, तो जो आपका आंसर आ रहा होता है उसके जस्ट सामने वाला आंसर देकर जाएगा आपको। जैसे मेरा आंसर क्या आ रहा था? स्टार, तो स्टार के सामने क्या है? डॉलर। तो अगर यहाँ डॉलर है तो मेरा आंसर है, अगर यहाँ स्टार ही होता तो गलत हो जाता, ठीक है। अब आई हो, आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैंने क्वेश्चन को कराया, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट से, सेकंड वाला सही है गलत है, सेकंड वाला सही है या गलत है। बहुत सारे बच्चे, अगर आप इसको नहीं सीखेंगे तो ध्यान रखना फिर आपके लिए मजबूरी बन जाएगी इन क्वेश्चन को इस तरीके से पूरा करना, ठीक है। और हमें पूरा क्वेश्चन करना नहीं, अगर हमें एग्जाम क्रैक करना है तो। बहुत ईजी एग्जाम आया बच्चे आज, बहुत ईजी। ये भी नहीं मान के चले कि आप मैथ और रीडिंग, ठीक है, पूरे के पूरे क्वेश्चन भी करके आए बच्चे, पूरे के पूरे, और वाकई में नंबर भी पूरे पूरे आएंगे, इतना इजी पेपर आया आज का, ठीक है। जल्दी थर्ड क्वेश्चन कीजिए भाई, सेकंड वाला, चलो देख लेते हैं इसको। मैं दोबारा बताता हूँ, ई से लेटर का टी तक। देखो भाई ई ए है, और ई से जाना मुझे टी तक, अगेन उल्टे लिखे हैं, हैशटैग एंड। ये देखो हैशटैग एंड में आंसर क्या आएगा? हैशटैग आएगा ना, लेकिन जब ये उल्टे लिखे हैं यहाँ क्वेश्चन में, तो हैशटैग के सामने वाला आंसर देखा जाएगा, एट द रेट। यहाँ पर एट द रेट है, हाँ अपना आंसर बन चुका है, ठीक है। बच्चे अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं दोबारा बता दूंगा, शर्माने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों के कमेंट यहाँ पर आते रहें। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरे कमेंट करने से, ठीक है, आपके मोबाइल का कुछ डाटा खर्च हो जाएगा, पैसे खर्च हो जाएंगे, तो वो बात एक अलग है, ठीक है, या आप सीखना ना चाह रहे हो वो भी बात एक अलग है। लेकिन अगर आप लोगों को आता है, सीखा हुआ है, तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें, नहीं समझ में आ रहे तो भी कमेंट करें। थर्ड क्वेश्चन क्या है? एच से लेकर वी। अब देखिए ये क्या है भाई? एच, और ये क्या है? वी। एक बार देखो हैशटैग डॉलर, क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं हैशटैग डॉलर आया? नहीं आया। यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं हैशटैग एट द रेट आया? बिल्कुल ही आ गया, हैशटैग ही आ गया, एट द रेट ही आ गया। तो इसका मतलब एक बार देखो, जल्दी बताओ भाई क्या आएगा जल्दी क्वेश्चन का। करें, चलो देखो दिया हुआ है अभी सारा, क्या बोला है? जे हैशटैग आर। भाई मुझे कहाँ जाना है? मुझे जाना है जे से, और कहाँ तक? आर तक।
मेरे पास ये तीनों सिंबल आए हैं, स्टार एट द रेट डॉलर, स्टार एट द रेट और डॉलर, तीनों अपोजिट आ गए ना, ये इसके अपोजिट है और उसके भी अपोजिट है। तो भाई पहला तो आंसर ने आना नहीं, छोड़ दिया। जे हैश टैग की, जे से लेकर कहाँ तक जाना है, के तक जाना है, जे कहाँ भी ये रहा और यहाँ से आना के तक, एट द रेट डॉलर, एट द रेट डॉलर एक तरफ का आंसर है, आंसर क्या आएगा, एट द रेट आएगा, लेकिन हम क्या कहेंगे कि एट द रेट जे, लेकिन यहाँ पे क्या है ये है, इसके सामने क्या हैश टैग हैश टैग आना चाहिए, आंसर आ जाएगा ये। दूसरा आर हैश टैग एफ, अब मुझे क्या चलना है भाई, आर से ले जाना है एफ तक, स्टार एट द रेट क्या है भाई, स्टार और एट द रेट अपोजिट आ गए, अपोजिट आगे छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट के एट द रेट डी, के से चलना है कहाँ तक, डी तक। अब एक बात देखो, हैश टैग स्टार, तो ये क्या है अपना हैश टैग और ये क्या है स्टार, आंसर क्या आएगा अपना हैश टैग की तरफ आएगा, लेकिन हम कहेंगे डी हैश टैग की, हम कहेंगे डी हैश टैग की, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है एट द रेट, भाई के को आगे लिख दिया डी को पीछे लिख दिया, तो सी बात है चेंज होना ही होना जरूरी है, तो आंसर क्या आएगा ये आएगा, तो आंसर क्या आएगा सेकेंड एंड फोर्थ फॉलो, तो किस में आएगा बच्चे, बी में आएगा। क्लियर है आपका सबका? बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताइए क्या आएगा। बच्चों क्या आएगा, बॉक्स में बना देता हूँ अगेन, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप सभी को इस बॉक्स की बनाने की प्रॉब्लम होगी और कोई नहीं है, क्योंकि ऑलवेज अगर ये बॉक्स आपका क्लियर बना हुआ है तो बॉक्स से तो सेकंड भर में भी आंसर आपके आ जाएंगे, है ना, लेकिन बॉक्स ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप, इतना टाइम थोड़ा रहता है कि हम हर क्वेश्चन पर ऐसे ही करेंगे ये, ठीक है। यहाँ पर क्या आना है एट द रेट, यहाँ पर आना है हैश टैग, ठीक है, यहाँ पर आना है एंड, यहाँ पर आना है आपका डॉलर और यहाँ पर आना है स्टार, बच्चों क्या बोला है पहले में, W से चलना है K तक, भाई W ये है और W से कहाँ जाना है K तक, एट द रेट स्टार हैश टैग, एट द रेट स्टार, ठीक है, अपोजिट आगे, एट द रेट स्टार अपोजिट आगे, तो पहला हम छोड़ देंगे नहीं करेंगे, क्योंकि कंट्रडिक्शन में कभी आंसर नहीं आता मेरे पास। M से R जाना है, भाई M ये है, M से R, डॉलर एट द रेट स्टार, अब एक बार देखो डॉलर स्टार तो अपोजिट है अभी भी, है ना, तो अगेन क्या आ गया गलत आ गया। तीसरा के से जाना है डब्लू, भाई के ये है और के से डब्लू, तो एक बार देखो एट द रेट स्टार हैश टैग, एट द रेट स्टार अगेन अपोजिट आ गए, अपोजिट अपोजिट आंसर नहीं देता कभी भी, गलत हो गया। नेक्स्ट की बात करें एम से लेकर एन तक, एम से लेकर चलना है कहाँ तक, एन तक, डॉलर एट द रेट, भाई डॉलर एट द रेट में क्या आएगा आंसर, एट द रेट आएगा, एट द रेट लिखा हुआ है आंसर आ गया, तो आंसर क्या आएगा ओनली फोर्थ इज, ओनली फोर्थ इज, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या काम करेंगे, पहले तो उनके यहाँ सिंबल लिखेंगे और सिंबल के बाद यहाँ सिंबल लिखेंगे, फिर करेंगे कौन सा चेक है, बस तो हमारा तो हो गया भाई पेपर पास, हमने तो कर लिया, बन गए हम तो बैंक में, है ना, हमने तो कर लिया पेपर को क्रैक। चलो जल्दी से बताइए क्या आएगा भाई। याद रखना अगर कभी भी कोडिट करते हैं तो पहले आपको ये बॉक्स बनाना ही पड़ेगा, गेटर, गेटर के सामने लैसे, लैसे के बाद में इक्वल, इक्वल के बाद में यहाँ पे गेटर इक्वल और यहाँ पे लैसे इक्वल, अब जिसके लिए जो सिंबल दिया वो लिख दीजिए, ठीक है। पी डॉलर का मतलब क्या है, नॉट स्मॉलर, छोटा नहीं है तो क्या हो सकता है, बड़ा बराबर तो हो सकता है अभी, ठीक है। एट द रेट का मतलब क्या है, स्मॉलर नहीं इक्वल नहीं है, तो क्या आएगा गेटर आएगा,
क्या हैशटैग का मतलब क्या है, गेटर नहीं इक्वल नहीं है, गेटर नहीं इक्वल नहीं है तो क्या आएगा, आ जाएगा ठीक है। एंड का मतलब अगेन बीच में आ गया, एंड का मतलब यहाँ आ गया, और स्टार का मतलब करिए बच्चों जल्दी से आंसर दीजिए क्या आएगा। अरे बच्चे देखते हैं क्वेश्चन को क्या दिया गया क्वेश्चन में। सारी सीरीज है, बोला है एम हैशटैग सी, भाई एम से चलना है कहाँ तक, सी तक, हैशटैग और स्टार, हैशटैग स्टार, आंसर क्या आएगा अपना, हैशटैग बनेगा। अब उल्टा लिखा है एम को पहले लिख देना, हैशटैग के सामने क्या है एट द रेट, क्या एट द रेट है, नहीं है, आंसर नहीं बनेगा। दूसरा सी से चलना है एम तक, ठीक है, अगेन आंसर क्या आएगा अपना, यही आएगा। अब एक बार देखो यहाँ सी है और यहाँ एम है, ठीक है, हैशटैग का मतलब क्या बनेगा, हैशटैग का मतलब बनेगा क्या, ग्रेटर देन, तो आप यहां पर बोलेंगे एम सी और यहां पर बोलेंगे सी, तो ये लिखा जाना है ठीक है। ओवरऑल सी बड़ा है एम से और एम बड़ा है सी से। अब यहां देखेंगे सी और एम के बीच में आंसर क्या आएगा मेरा भैया, हैशटैग स्टार का मतलब क्या आएगा अपना, हैशटैग और स्टार का मतलब क्या आएगा, हैशटैग आएगा ना, लेकिन ये तो आ नहीं सकता, तो आंसर ना आइदर और नहीं बनेगा, ना पहले में ना दूसरे में। तीसरा के एंड द रेट एम, के से चलना है कहां तक बच्चे, एम तक। एक बार देखो यार ये तो बिल्कुल सीधी सीधी है ना, सिंपल सिंपल का सिंपल है तो भाई एंड क्यों आ जाएगा, गलत हो गया। आगे कैसे चला है एम था, ठीक है, अगेन क्या आएगा, ये आएगा। अब एक बार देखो स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब ये है, और ये कैसे बनता है, ये इन दोनों को जोड़ के बनता है, इन दोनों को जोड़ के बनता है, इसको इसको हैशटैग को और एंड को। अब एक बार देखो एंड एक बार है, हैशटैग एक बार है, तो इसमें आ गया आइदर, आइदर थर्ड और फोर्थ फॉलो, ठीक है, आंसर आएगा केवल डी, आंसर आएगा केवल डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गेटर प्रेशर इक्वल, गेटर इक्वल अनलेसर, ठीक है, क्वेश्चन है। सबसे पहले वही लिख लेते हैं भाई जो अपने दिया हुआ था, ना एट द रेट आएगा, ना हैशटैग आएगा, ना एंड आएगा, यहाँ पर डॉलर आएगा, यहाँ पर स्टार आएगा, ठीक है, ऊपर वाली चीज़ के जो हमारे हैं। अब जल्दी से बता दो भाई क्या सही है, पहला सही है नहीं है, दूसरा सही है नहीं है, जल्दी बताओ कमेंट। करो भी करो जल्दी से यार, करें। चलो देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, पहले में बोला है के हैशटैग एल, भाई के कहाँ पर है अपना, यहाँ पर है और एल यहाँ पर है। अब हैशटैग और एट द रेट में आंसर क्या आएगा बच्चे, हैशटैग ये है एट द रेट ये है, अपोजिट आ चुके हैं, पहला हो गया गलत। दूसरा पी से क्यू तक चलना है बच्चे, पी ये है और पी से लेकर क्यू तक, डॉलर हैशटैग, ठीक है भाई, ये क्या है डॉलर, ये क्या है हैशटैग, अपोजिट आ गए, अब
अपोजिट आ गए तो ये भी हो गया गलत। ठीक है, तीसरा बात करते हैं। एक मिनट रुकिए, पासवान प्रदीप आप बच्चे, पता नहीं कौन से क्वेश्चन का आपने आंसर दिया, मुझे लग रहा है शायद इसी का दिया है आपने, है ना ये आंसर। चलो देखते हैं, ठीक है नेक्स्ट में क्या बोला है बच्चे, एस से क्यू चलना है। एक बार देखो, एस से मुझे क्यू तक जाना है, एक बार बताओ यार, जब मैं पी से एल तक ही नहीं आ पा रहा, पी से मैं क्यू तक ही नहीं आ पाया, पी से मैंने क्यू का ही आंसर गलत कर दिया, क्यों? हैशटैग और डॉलर, हैशटैग डॉलर अपोजिट थे, तो एक बात बताओ भाई, मैं एस से क्यू कैसे आ सकता हूँ, इम्पॉसिबल है। तो अगेन क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट, पी से लेकर चलना है के तक, जब मुझे पी से लेकर क्यों नहीं जा रहा भाई, पी से लेकर के तक चले जाओगे? नहीं जाएगा, नहीं आएगा तो आंसर क्या आएगा, नन इज ट्रू। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ। कुछ मुझे याद है क्योंकि हर क्वेश्चन में लिए मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है आपके लिए बना रहा हूँ ये। यहाँ पर आपका क्या है भाई, एट द रेट है, यहाँ पर हैशटैग है, ठीक है यहाँ पर आपका एंड है, यहाँ पर आपका डॉलर था, यहाँ पर आपका स्टार। ठीक है जल्दी से बताइए बच्चों क्या आएगा आंसर। प्रभात आनंद का आंसर आ गया है सी। ओके चलिए करते हैं ट्राई। और भी बच्चों, और कोई देना चाह रहा है आंसर? बच्चे कोडिट करना चाह रहे हो तो कोडिट के लिए बॉक्स से ही होगा क्वेश्चन, याद रखना, वैसे ही मत करना बिल्कुल भी। ठीक है चलो सी आ गया है, मतलब कि फर्स्ट एंड थर्ड ट्रू है। देखते हैं बच्चे क्या आएगा भाई, क्यू से चलना है पी तक। देखो क्यू तो यहाँ पर है और पी कहाँ पर है, यहाँ पर, इसका उल्टे लिखें एंड स्टार, एंड ये है स्टार, ये आंसर क्या स्टार आएगा, आंसर क्या है स्टार आएगा। अब एक बार देखो बच्चे, अगर स्टार आएगा तो ये दोनों उल्टे हैं ना, उल्टे हैं तो स्टार का अपोजिट क्या है, डॉलर, तो इसका मतलब पहला तो आगे सही, क्योंकि अगर ये लिखा है और इसी, ये दोनों उल्टे हुए हैं, जैसे मैंने कहा भाई मैं कहता पी से क्यू तक आएगा तो मेरा आंसर स्टार ही आता, लेकिन जैसे उसने क्यू को यहाँ करा, पी को यहाँ करा, इन दोनों को उल्टा कर दिया, तो स्टार के जस्ट सामने वाला आंसर देखा जाएगा, स्टार के सामने क्या है, डॉलर, तो डॉलर अगर है तो आंसर है, वरना नहीं है, डॉलर लिखा है तो आंसर मेरा बनेगा पहला। दूसरा, ए से चलना है जे तक, ए से चलना है कहाँ तक, जे तक, हैशटैग एंड, बच्चे हैशटैग कहाँ पर है, ये रहा, और एंड, इनमें आंसर क्या बनेगा, हैशटैग बनेगा, लेकिन क्या ये उल्टे हैं, बिल्कुल हैं, तो हैशटैग के सामने क्या है, एट द रेट, एट द रेट चाहिए, बिल्कुल बनेगा, दूसरा भी बिल्कुल बनेगा अपना, दूसरा भी चेक कर सकते हैं आप दोबारा से। ठीक है मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मैंने कहा जे और ए के बीच में क्या आंसर है, तो आप क्या कहेंगे, हैशटैग एंड में, हैशटैग ये है एंड ये है, तो आपका आंसर क्या आएगा, हैशटैग आएगा, हैशटैग आएगा। अब मैंने क्या काम करा, ए को यहाँ लिख दिया, जे को यहाँ लिख दिया, ए को यहाँ और जे को यहाँ, जब मैं इन दोनों को चेंज कर रहा हूँ तो मुझे आंसर क्या चाहिए, एट द रेट चाहिए ना, एट द रेट ही तो लिखा हुआ है, बिल्कुल बनेगा अपना, दूसरा भी सही। तीसरी बात करते हैं, डब्ल्यू एट द रेट क्यू, भाई डब्ल्यू से कहाँ तक जाना है, क्यू तक जाना है, एट द रेट हैश टैग एंड स्टार, सारे सिंबल आ गए ना, अपोजिट आ गए, एट द रेट स्टार आ गया, बिल्कुल एट द रेट ये रहा और अपना क्या हैश टैग ये रहा, कंट्राडिक्शन हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया तो बच्चे आंसर बनना ही नहीं है कोई भी, छोड़ दीजिए। लेफ्ट देखो, जे से चलना है क्यू तक, भाई जे से कहाँ तक जाना है, क्यू तक, इन दोनों का तो मुझे पता है कि स्टार एंड स्टार, ठीक है ना, हैशटैग है अपना, एंड है और क्या है स्टार, इसका मतलब तीनों एक तरफ के सिंबल हैं, इन तीनों में आंसर क्या आएगा मेरा, हैशटैग आएगा, लेकिन हैशटैग का मतलब कहूंगा मैं जे हैशटैग क्यू, अगर ऐसे है तो, लेकिन क्या है, जे पहले है बिल्कुल है, क्यू बाद में है, लेकिन एड नहीं आएगा, तो अगेन क्या हो गया गलत, तो आंसर किसके साथ आएगा, आंसर आएगा केवल फर्स्ट और सेकेंड के साथ। ठीक है प्रभात बच्चे, आप लोगों ने थोड़ा सा आंसर गलत दे दिया है, समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट कर दो, एक बार दोबारा समझा दूंगा, लेकिन आंसर गलत ना करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्लियर है आंसर, बताइए जल्दी क्या आएगा। चलो रिपीट, चलो देखो, चलो रिपीट कर देता हूँ एक बार में क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देख लो, ठीक है एक बार मैं सारा रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है एक बार ध्यान से देख लेना, थोड़ा जल्दीबाजी मत करो यार, आंसर देना है लेकिन आंसर दे रहे हो तो अच्छे से दो, ठीक है हमें कहीं अभी, हम कोई अभी एग्जाम में नहीं बैठे कि भाई अगर हम एग्जाम में एक दो मिनट लेट हो जाएंगे तो हमारा कुछ गलत हो जाएगा, अभी हम क्या है सीख रहे हैं, यहाँ स्पीड नहीं बनाओगे एग्जाम में जाके गलती हो जाएगी, फर्क आपने पढ़ना है मेरे नहीं पढ़ना।
रिपीट कराया जाए, जल्दी बताओ, एक बार कमेंट लिख दो, रिपीट कराएं यस और नो, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। चलो देखो, सबसे पहले ये देखो कि पहले क्वेश्चन में क्या है, क्यू है और फिर क्या है, पी है। आप इस सीरीज में देखिए, मुझे चलना है कहाँ से क्यू से पी तक। सबसे पहले देखो मैं पी और क्यू का आंसर क्या निकालूंगा इन दोनों में, एंड स्टार, ये क्या है बच्चे, एंड है, ठीक है, और ये क्या है, स्टार है, ये एंड है, ये स्टार है। तो इन दोनों में आंसर क्या आएगा आपका, अगर मैं आपसे कहूँ भाई ये बताओ बराबर और लेसर इक्वल में आंसर क्या आएगा, तो आपका क्या लेसर इक्वल आएगा, क्या आएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये स्टार। तो अगर यहाँ स्टार होता तो मैं अपना कह देता भाई मेरा सही है, ये सही है। लेकिन आप जरा क्वेश्चन पे गौर करें, क्वेश्चन वाले ने क्या काम करा कि जो पी पहले उसको बाद में लिख दिया और जो क्यू बाद में उसको पहले लिख दिया, ऐसे तो लिखा है क्यू। तो अगर आपका ये आंसर आ रहा है और आपको दिख रहा है कि ये दोनों रिवर्स हो चुके हैं, तो इसके जस्ट सामने वाला आंसर देखा जाएगा, इसके सामने क्या है, डॉलर। अगर वहां उन दोनों के बीच डॉलर है तो आंसर है, वरना नहीं है। अब यहाँ डॉलर लिखा है तो मेरा पहला हो गया फॉलो। नेक्स्ट पर चलते हैं, ए से लेकर चलना है जे तक, ए से लेकर चलना है जे तक, ठीक है। मैं अगेन इसको पहले रफ कर देता हूँ फिर बताता हूँ, एक सेकेंड रुकिए, ठीक है, पहले मैं इसको रफ कर दूँ जरा, ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं किससे बच्चे, कहाँ से, ए से लेकर जे तक, ठीक है। अब अगेन मैं देखूंगा भाई ए से और जे के बीच में क्या क्या रिलेशन निकल रहा है। यहाँ देखो ए कहाँ है भाई, ये रहा, जे कहाँ है, ये रहा। पहले मैं अगर कहूँ भाई जे और यहाँ ए लिख दूँ, तो हैशटैग और एंड में आंसर क्या आएगा, हैशटैग ये है और एंड ये है, इन दोनों में आंसर क्या आएगा। अगर मैं कहूँ भाई लेसर और इक्वल में आंसर क्या आएगा, लेसर आएगा, इसका मतलब हैशटैग आएगा। अगर यहाँ होता जे हैशटैग ए तो मेरा आंसर सही था, लेकिन इससे क्वेश्चन में देखो क्या लिख दिया, ए को आगे ले गया और जे को ले गया पीछे। बच्चे अगर ये इन दोनों का रिवर्स कराया तो हैशटैग के सामने वाला आंसर देखा जाएगा, हैशटैग के बिल्कुल सामने, हैशटैग के बिल्कुल सामने क्या है, एट द रेट। क्या यहाँ पर एट द रेट लिखा है, एट द रेट है तो सही है, एट द रेट नहीं होता तो गलत होता। तीसरे पर बात करते हैं, डब्ल्यू से लेकर क्यू तक। भाई जब मुझे डब्ल्यू से लेकर क्यू तक जाना है, तो ये देखो एट द रेट और हैशटैग आ गया, और मुझे पता है एट द रेट और हैशटैग अगर किसी भी एक सिंगल लाइन में आते तो मेरे गलत हो जाएंगे, क्योंकि कंट्राडिक्शन है, इसका कंट्राडिक्शन ये भी है, इसका कंट्राडिक्शन ये भी है, इसका कंट्राडिक्शन ये भी है, और इसका कंट्राडिक्शन ये भी है, इसका मतलब ये चारों आपस में कंट्राडिक्शन है। तो तीसरा हो गया गलत, देखते ही गलत कर दें। चौथा, जे से चलना है क्यू तक। भाई जब जे से मैं क्यू तक जाऊंगा, हैशटैग एंड स्टार, ठीक है। यहाँ देखो हैशटैग एंड स्टार, इन तीनों में आंसर क्या आएगा, मैं आपसे कहूँ भाई ये बताओ इसमें, इसमें और इसमें आंसर क्या आएगा, तो आप क्या कहेंगे तीनों में, ये तो कहेंगे भाई ये वाला आंसर बनेगा हमारा, ये वाला बनेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जे लेसर है किससे, क्यू से। इसने क्या काम करा, जे को पहले लिखा हुआ है, यहाँ भी जे पहले है, क्यू बाद में, यहाँ भी क्यू बाद में। तो एक बात देखो, मेरा जो आंसर बनेगा वो हैशटैग बनेगा, लेकिन है क्या, एट द रेट। भाई एट द रेट, एट द रेट तो मैं तब बनाता जब यहाँ क्यू और जे हो जाता, अब यहाँ एट द रेट होता तो मेरा आंसर सही था, लेकिन ये सीधे के सीधे लिखे हैं तो बच्चे आंसर हो गया गलत। तो आंसर किसके साथ आएगा, फर्स्ट और सेकेंड के साथ आएगा। अब क्लियर हुआ अभी प्रभात, या नहीं हुआ, जल्दी बताओ। चलो क्लियर है, तो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा जल्दी से और समझ कर देना, ठीक है, जल्दीबाजी में नहीं देना इतना, क्योंकि मुझे आंसर आपका सही चाहिए, अभी मुझे आंसर आपसे स्पीड नहीं। थैंक यू, कोई बात नहीं बच्चे, वेलकम, ठीक है। आप जो हैं अपना आंसर बस मुझे सही दें, टाइम ले लें, कोई परेशानी नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे करना है, कंट्राडिक्शन कभी भी आंसर नहीं देकर चलता, उसे आंखें बंद करके गलत कर दो, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका ये, यहाँ पर हैशटैग, यहाँ पर एंड रहेगा, यहाँ पर डॉलर रहेगा और यहाँ पर स्टार रहेगा, ठीक है। बच्चे मुझे आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर आप सर्च कर लें कैटलॉजिकल, कैट लॉजिकल, ठीक है। आप मेरे साथ इस चैनल पर जुड़ सकते हैं, कैटलॉजिकल विदाउट स्पेस सर्च करना है, कैटलॉजिकल, और मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए। इवनिंग में 5 बजे क्लास होती है और मॉर्निंग में 8 AM पर क्लास होती है, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन को, देखो अब अगेन मुझे देखें, बी से चलना है एस तक। भाई बी ये है और बी से आना है एस तक, उल्टा आना है ना, स्टार एट द रेट डॉलर। भाई स्टार कहाँ है अपना, ये रहा, एट द रेट कहाँ है, ये रहा। अरे एक बात देखो, जब स्टार और एट द रेट आ गए एक लाइन में, उसमें भी पूछा है, तो आंखें बंद करके गलत कर दो, करने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, बी से चलना है एल तक। भाई बी से कहाँ तक चलना है, मुझे केवल चलना है एल तक, तो एल तो यहाँ पर है ना, ये लाइन में, इस लाइन में, एट द रेट डॉलर, तो
एट द रेट ये है और डॉलर ये है, दोनों एक तरफ के सिंबल हैं, तो एट द रेट डॉलर में आंसर क्या आएगा, एट द रेट आएगा। अब ये देखो क्या ये उल्टे लिखे, हाँ बिल्कुल लिखे। अगर मैं कहूँ एल और बी और ये है तो ये मेरा सही है, लेकिन इसने ये देखो आंसर में क्या लिखा, बी पहले लिख दिया और एल बाद में लिख दिया, तो आंसर एट द रेट के सामने वाला देखा जाएगा। एट द रेट के सामने क्या है, हैश टैग, क्या यहाँ पर हैश टैग है, नहीं, तो ये भी हो गया गलत। अगर यहाँ हैश टैग होता तो सही होता, अगर हैश टैग होता तो सही होता, लेकिन क्या लिखा, एट द रेट लिखा है, सही हो गया गलत। तीसरा एस से चलना है ई तक, बच्चे एस से कहाँ तक आना है, ई तक, ये सीरीज है एस से ई तक आने के लिए, ठीक है। स्टार एट द रेट, बच्चे स्टार कहाँ पर ये है और एट द रेट ये, अगेन कंट्रडिक्शन बन चुका है, कंट्रडिक्शन हो गया, अगेन आंखें बंद करके कर दो गलत, कोई जरूरत नहीं मुझे चेक करने की किसी भी तरह की। नेक्स्ट पे बात करते हैं एल से लेकर ए तक, एल ये है और ए ये है, इसमें मुझे चेक करना है, ठीक है। हैश टैग और स्टार, बच्चे हैश टैग ये है और स्टार ये, दोनों एक तरफ के सिंबल हैं, आंसर क्या मेरा हैश टैग बनेगा, लेकिन क्या ये चेक करें कि ये उल्टे लिखे हैं सीधे, हाँ बिल्कुल उल्टे लिखे हैं। अगर मैं कहता ए एल हैश टैग लिखा है तो सही है, लेकिन आप आंसर में देखें एल पहले लिख दिया ए बाद में लिख दिया, तो हैश टैग के सामने वाला आंसर देखा जाएगा। हैश टैग के सामने क्या, एट द रेट, क्या वहाँ एट द रेट है, हाँ बिल्कुल है, तो आंसर क्या आएगा अपना, फोर्थ बनेगा, ओनली फोर्थ फॉलो। अच्छा क्लियर हुआ या नहीं हुआ प्लीज़ एक बार कमेंट कीजिए, नहीं हुआ तो मैं दोबारा कर देता हूँ, परेशानी कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे तो पता है, मुझे तो आप लोगों को सिखाना है यार, आप कैसे सीख रहे हो आपकी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब जल्दी से भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, ठीक है, मैं तब तक वेट करूंगा आपके आंसर का, मैं बॉक्स बना रहा हूँ देखो आप लोगों के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे मुझे सभी। यहाँ पर गेटर, यहाँ पर लेसर, यहाँ पर इक्वल, यहाँ पर गेटर इक्वल, यहाँ पर लेसर इक्वल, यहाँ पर आपका एट द रेट है, यहाँ पर आपका हैशटैग है, यहाँ पर आपका ओ एंड है, एंड है ना, यहाँ पर आपका क्या है, डॉलर है, और यहाँ पर आपका स्टार है। अब जल्दी से आप मुझे आंसर दीजिए, समझ कर क्या आएगा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग वर्बली क्वेश्चन कर दें इसका आंसर। जल्दी से कमेंट करो कि क्या आएगा आंसर, आपसे आंसर चाहता हूँ यार मैं इस क्वेश्चन। गुड, आंसर बी आ गया भी इस बार, ठीक। अरे क्वेश्चन, चलो देखो चेक करते हैं अभी आपका बी सही है गलत है। वाई से चलना है के तक, वही वाई कहाँ पर, ये और के ये रहा, तो मुझे चेक करना है स्टार और हैशटैग में आंसर क्या है, स्टार अपना ये है और हैशटैग ये है, भैया दोनों एक तरफ के हैं, दोनों एक तरफ के, तो आंसर क्या देके चलेगा, हैशटैग चलेगा। अब पहले देखेंगे कि क्या ये दोनों उल्टे हैं, हाँ बिल्कुल उल्टे हैं भैया, अगर के पहले है यहाँ, लेकिन यहाँ कहाँ दे दिया, के बाद में, तो हैशटैग के सामने क्या है, एट द रेट, क्या है, एट द रेट है, आंखें बंद करके कर दो, सही पहला सही है। दूसरा एम से चला एल तक, भाई एम ये है और एल ये, एक बार देखो यार ये दोनों उल्टे हैं ना, उल्टे हैं, तो भैया उल्टे में डॉलर का उल्टा कैसे, अगर एंड है, इक्वल का उल्टा इक्वल होगा, लेकिन इनका उल्टा ये थोड़ा हो जाएगा, अगर यहाँ एंड होता, यहाँ एंड होता अगर, और यहाँ भी एंड होता तो मैं यहाँ से सही कर देता, लेकिन वो नहीं होगा क्योंकि वो क्या है, डॉलर है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, दूसरा अपना हो गया गलत, ठीक है। बस एक इक्वल ही ऐसा है कि जिसका आप उल्टा करोगे तो भी वही मिलेगा, बाकी उसके बाद कोई नहीं है, उसके बाद तो आपको सिंबल चेंज करके चलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, अभी नेक्स्ट में क्या दिया है आपका, एम एट द रेट वाई, भाई एम से कहाँ तक चलना है बच्चे, वाई तक, चलो जी एम से वाई तक, एट द रेट स्टार हैशटैग, एट द रेट कहाँ भी ये रहा, स्टार अपोजिट आ गए, एट द रेट स्टार अपोजिट आ गए, स्टार अपोजिट आ गए, तो भैया छोड़ दो गलत। एम से लेकर यू तक, भैया एम से लेकर यू तक जाना है, एट द रेट स्टार, एट द रेट स्टार अगर इन अपोजिट आ गए छोड़ दीजिए, नहीं करना है, आंसर क्या करेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो बी आंसर, वेरी गुड, बात इस बार सही है बच्चे आपका, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से,
में बनाता हूँ। तो क्या है अभी डॉलर, सॉरी तो देख लेते हैं किस सिंबल के लिए क्या क्या आ रहा है। हाँ स्टार का मतलब क्या है, एल नॉट ग्रेटर देन बी, भाई ग्रेटर नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा स्टार आपका। आई थिंक मुझे लग रहा है वही रिपीटेड हो जाएंगे। एट दैट का मतलब क्या है, ग्रेटर नहीं है और क्या नहीं है, इक्वल भी है। जब ग्रेटर नहीं है इक्वल नहीं है तो क्या आएगा, लेसर ही आएगा। नेक्स्ट क्या है, कॉपी राइट, ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, स्मॉलर नहीं है तो ग्रेटर इक्वल तो हो सकता है अभी, है ना, ग्रेटर इक्वल तो हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है नाइदर ग्रेटर है नो, ये यहाँ पर आ गया आपका परसेंटेज। और यहाँ क्या है डॉलर का मतलब ए नाइदर स्मॉलर, स्मॉलर नहीं है तो क्या होगा भाई, ग्रेटर और ही होगा, ठीक है, यहाँ क्या डॉलर। चलो करिए क्वेश्चन को। हम बच्चे सभी आप लोग टेलीग्राम अगर चला रहे हैं तो टेलीग्राम पर सर्च कर लेना कैट लॉजिकल, CAT कैट लॉजिकल, LOGICL कैट लॉजिकल, टेलीग्राम पर सर्च कर लेना आप लोग, ठीक है, और मेरे साथ ज्वाइन हो जाना। आपका आंसर आ गया ही, देखते हैं। फिर बाद बच्चे अगर आप लाइफ में आगे कभी भी कोडिट के क्वेश्चन करते हैं तो इसी तरीके को यूज़ करना, ठीक है, और स्पीड से करने की कोशिश करना। विदाउट पेन क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, विदाउट पेन, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, लेकिन हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इन क्वेश्चन की, ये बात ज़रूर है। चलो देखते हैं अपनी इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आज का। वाई से लेकर चलना है डब्ल्यू बच्चे, वाई ये है डब्ल्यू, एट द रेट परसेंटेज, एट द रेट परसेंटेज में आंसर क्या आएगा बच्चे, एट द रेट आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन ये देखिए ये वाई और डब्ल्यू उल्टे हो गए ना, उल्टे हो चुके हैं, तो एट द रेट का उल्टा क्या है, डॉलर, क्या है डॉलर है तो अपना आंसर पहला हो गया फॉलो। दूसरा मुझे चलना है जेड से लेकर डब्ल्यू, ठीक है भाई, जेड से लेकर डब्ल्यू, भाई जेड कहाँ है यहाँ और डब्ल्यू ये है। अब एक बार देखो ये दोनों उल्टे हैं ना, उल्टे हैं, एट द रेट का उल्टा क्या है बच्चे, डॉलर ही है, बिल्कुल डॉलर दिया है, तो ये भी फॉलो हो गया। तीसरा एक्स से लेकर चलना है वाई तक, भाई एक्स ये है, एक्स से लेकर वाई तक, स्टार एट द रेट परसेंटेज, भाई स्टार है अपना, एट द रेट है और परसेंटेज है, ठीक है, इन तीनों में आंसर क्या आएगा अपना, एक तरफ के सिंबल हैं, एट द रेट आएगा, एट द रेट है। अब ये देखें क्या ये उल्टे हैं ना, भाई उल्टे तो नहीं है तो सीधे हैं, एक्स तो पहले ही है ये पहले है, तो हमें चाहिए एट द रेट, उसने क्या दिया कॉपी राइट, तो अपना वही हो गया गलत। तो आंसर क्या आएगा फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रू, ठीक है। प्रभात शायद आपने बच्चे गलत आंसर दे दिया मुझे, आपने मुझे आंसर गलत दे दिया है, आप खुद देख लीजिए, वाई पहले है यहाँ भी वाई पहले है, सॉरी एक्स पहले है, वाई यहाँ बाद में, यहाँ भी वाई बाद में, स्टार एट द रेट परसेंटेज, स्टार का मतलब क्या है लेसर, एट द रेट का मतलब क्या है, नहीं सॉरी इसका मतलब ये है, एट द रेट का मतलब ये है और इसका मतलब ये है, तो इन तीनों में जो आंसर आएगा वो मेरा लेसर एक्स लेसर वाई ये कहेंगे, ठीक है। अब ये तो लिखा है तो एक बार देखो इसके लिए तो आंसर यही आएगा ना, एट द आप उल्टा क्यों कर रहे हो, उल्टा तो मैं तब करता जब वाई और एक्स हो जाता, और वाई और एक्स होने के बाद भी फिर भी डॉलर आता ना कि ये आता, ठीक है, तो आंसर थर्ड नहीं होगा, थर्ड गलत है मेरा, आंसर आएगा फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड किसी में बहुत सीधी, ठीक है बच्चे। चलो तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं बच्चे, अगर आप मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो प्लीज़ आई से यू कि आप कैट लॉजिकल, ठीक है, ज्वाइन हो जाए कहाँ पर बच्चे, टेलीग्राम पर, टेलीग्राम पर आप सर्च कर लें, ठीक है, और आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। आपको अगर कोई भी PDF है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप लोग जरूर से शेयर करें वहाँ पर, ठीक है, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहाँ पर मिलेगा जरूर से, ठीक है बच्चे। चलिए थैंक यू आज की क्लास के लिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे मंडे 8 AM पर।